दोस्तों, जल्द ही अब एक बार फिर से हिमांशी खुराना और आसिम रियाज, जो कि बिग बॉस का बहुत बड़ा चेहरा माने जा रहे थे बिग बॉस 13 में, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों आपको बता देता हूँ, हिमांशी खुराना को आसिम रियाज बहुत समय से डेट कर रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि हिमांशी खुराना और आसिम रियाज जल्द ही एक न्यू एल्बम में नज़र आएंगे, पंजाबी वीडियो सॉन्ग में दोनों ही नज़र आएंगे। हालांकि हिमांशी खुराना की बात की जाए तो हिमांशी खुराना ने अभी ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जल्द ही अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए वो काफ़ी समय से उत्साहित हैं और जल्द ही अपकमिंग प्रोजेक्ट में हिमांशी खुराना और आसिम रियाज की जोड़ी देखने को मिलेगी। जहां हिमांशी खुराना की अगर बात की जाए तो हिमांशी खुराना पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं, आसिम रियाज मोमडंस फैमिली से बिलोंग करते हैं। हिमांशी खुराना जो सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत ज़्यादा पसंद भी थी और सिद्धार्थ शुक्ला ने वाकई में काफ़ी साथ भी दिया था बिग बॉस 13 के अंदर। बिग बॉस 13 में आसिम रियाज ने हिमांशी खुराना को प्रपोज किया था, जो कि उस समय तो एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन उन्होंने यानी हिमांशी खुराना ने बाद में उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों हिमांशी खुराना काफ़ी समय से जो कि पंजाबी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही हैं और वो आज के समय में सक्सेसफुल सिंगर मॉडल के तौर पर जानी जाती हैं। वहीं आसिम रियाज एशिया के टॉप मॉडल में से गिने जाते हैं। एशिया के टॉप मॉडल में नाम करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, जो आसिम रियाज ने वाकई में ये कर दिखाया है। और हिमांशी के एक स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो जल्द ही हिमांशी खुराना यानी आसिम रियाज की दुल्हनिया बनने जा रही हैं। इस बात के लिए वाकई में बॉलीवुड के इंडस्ट्री सेलिब्रिटी और टेलीविज़न सेलिब्रिटी सब ही काफ़ी खुश हैं, क्योंकि आसिम रियाज की जान पहचान बॉलीवुड और टेलीविज़न दोनों के ही अंदर काफ़ी अच्छी खासी है। बात की जाए आसिम की, तो आसिम ने बोल दिया था हिमांशी खुराना को। हालांकि हिमांशी खुराना पहले से ही शादीशुदा हैं, लेकिन उन्होंने डिवोर्स ले लिया है। अब वो प्लान कर रही हैं कि एक बार फिर से आसिम रियाज के साथ में वो जल्दी ही न्यू बॉन्डिंग में नज़र आएंगी। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि हिमांशी और उनके साथ में आसिम रियाज, जो कि एक बड़ा धमाका भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जल्दी ही एक नया एल्बम सॉन्ग ला रहे हैं। क्योंकि म्यूजिकल लाइव लाइन में हिमांशी की बहुत ज़्यादा पकड़ है और वो चाहती हैं कि एक बार फिर से आसिम उनके साथ में उस एल्बम में साथ नज़र आए। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि बिग बॉस 13 के बाद में अक्सर इन दोनों को देखा गया है, हालांकि ये लिविंग रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं, लेकिन जल्द ही अपने एक बार फिर से फैंस को गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं। हालांकि उस गुड न्यूज़ का फैंस को पहले से ही काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आखिर ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज़।